हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू vibrantvarsha.com। मैं हूँ वर्षांतनी और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट सूजी उत्तपम रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, मेरे सारे रेसिपीज 15 टू 20 मिनट्स के अंदर ही हो जाते हैं, तो आपको आपके लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप आपके हस्बैंड के लिए खाना बनाते हो, आप आपके बच्चों के लिए अलग से खाना बनाते हो, तो आप वेट लॉस में आपके लिए क्यों नहीं बना सकते। बहुत सारी लेडीज मुझे हमेशा ये कहती है कि टाइम नहीं मिलता है, बट आप टाइम निकालिए, 15 to 20 मिनट्स आप खुद के लिए तो दे ही सकते हो, दीजिए और वेट लॉस में फर्क भी देखिए। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है और फटाफट बन जाती है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। तो अगर आप हस्बैंड और बच्चों के लिए भी बनाओगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तो बनाते हैं इंस्टेंट सूजी उत्तपम। इंस्टेंट सूजी उत्तपम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सूजी यानी कि रवा, इंग्लिश में इसे सेमोलिना कहते हैं। इसे मैंने रोस्ट नहीं किया है, मैंने इसे रॉ ही इस्तेमाल किया है। आप भी इसे रॉ इस्तेमाल कर सकते हो। 1 कप, ये 92 ग्राम सूजी है, तो आप इसे 90 to 100 ग्राम सूजी आप ले सकते हो। ये 1 पर्सन के लिए इनफ होता है। और 1/2 कप मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड, लो फैट कर्ड है। सॉल्ट स्वाद अनुसार, इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, बहुत पतला बैटर नहीं बनाना है आपको, इसलिए पानी आप थोड़ा थोड़ा ही मिक्स कीजिए। अच्छे से इसे बीट कर लीजिए ताकि इसमें लम्स ना रहे। और इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं लगभग 10 मिनट्स, ताकि सूजी हमारी फूल जाए। हम उत्तपम का फिलिंग तैयार करते हैं। उत्तपम का फिलिंग तैयार करने के लिए मेरे पास जितने भी वेजिटेबल्स थे मैंने सारे ले लिए। मैंने ओनियन लिया है 1 बिग साइज, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी, मैंने कैरेट को ग्रेट करके लिया है। मेरे पास स्प्रिंग ओनियन अवेलेबल था इसलिए मैंने स्प्रिंग ओनियन का इस्तेमाल किया है। आप हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो या पालक मेथी लीव्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने लिया है 1 स्मॉल साइज टोमेटो। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमने सूजी में सॉल्ट डाला ही है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा उत्तपम का फिलिंग रेडी है। देखिए 10 मिनट हो चुके, सूजी हमारा फूल चुका है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बैटर को थोड़ा पतला करेंगे क्योंकि ये गाढ़ा था। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है। तब तक हम गैस ऑन करेंगे और तवा गर्म करने रखेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल मैंने लिया है ग्रीसिंग करने के लिए। उत्तपम बना रही हूँ मैं। आप बिग साइज भी बना सकते हो या छोटी साइज भी बना सकते हो। हमने जो फिलिंग तैयार की थी उसे हाथ से थोड़ा सा दबा दीजिए, फिर इस पे लीड लगा के 1 से 2 मिनट तक कुक होने दीजिए। 1 साइड कुक हो चुकी है, फिर इसे हम 2nd साइड फ्लिप करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो ऑयल पूरी तरह से आप अवॉइड कर सकते हो। व्हाट्सएप डाइट क्लास में मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने पूरे दिन में मैक्सिमम 3 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल करना है। उस हिसाब से मैं इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल मैंने किया है यहाँ पे। लीजिए हमारे सूजी उत्तपम रेडी है। बचे हुए आटे के भी हम उत्तपम बना लेंगे। 1 पर्सन के लिए काफी हो जाता है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आप इसे फर्स्ट मील में या लास्ट मील में ले सकते हो। अगर आप नॉर्मल लो कार्ब डाइट में भी हो तो आप इसे खा सकते हो। बहुत टेस्टी है, करके देखिए। और सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स के अंदर ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो लीजिए हमारे सूजी उत्तपम रेडी है। बहुत ही टेस्टी है, बना के देखिए। लो इन कैलोरीज है एंड रिच इन फाइबर एंड विटामिन से भरपूर है। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते होंगे तो आप इसे फर्स्ट मील में या लास्ट मील में ले सकते हो। अगर आप लो कार्ब डाइट में हो फिर भी आप इसे आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। ये रेसिपी आपको और आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। बना के देखिए और मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।